छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर गुरुवार सुबह एक पिकअप वाहन बस के पीछे हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 11 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन चालक को अचानक झपकिया गई थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल हुए सभी लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला गीदम थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के मद्देड़ से मनिहारी व्यापारी पिकअप में सामान लेकर बस्तर जिले के नगर नार की तरफ जा रहे थे। इस बीच दंतेवाड़ा जिले के जावांगा ऑडिटोरियम के सामने जगदलपुर की तरफ से आ रही एक यात्री बस के पिछले हिस्से में पिकअप टकरा कर पलट गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप में सवार सभी लोग काफी दूर तक फेंका गए। पिकअप में करीब 2 से 3 महिलाएं और 4 बच्चे भी थे। इनमें से कुछ पिकअप के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों और आसपास में मौजूद लोगों ने मिलकर पिकअप के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला, जिसके बाद सभी घायलों को दंतेवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ये सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं। घूम घूम कर मेला मड़ई में खिलौना और मनिहारी की दुकान लगाते हैं। मद्देड़ के मेले में शामिल होकर नगर नार के मेले में दुकान लगाने जा रहे थे। इस बीच सड़क हादसे में घायल हो गए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।